अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं जिसका उन्वान है छोटे छोटे दाने। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आए जी, चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। आज की कहानी कुछ इस तरह है। किसी जंगल में एक नन्ही चींटी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। नन्ही चींटी की माँ जब तक सेहतमंद थी अपने और नन्ही चींटी के लिए मज़ेदार दाने लाती थी, लेकिन जब उसकी माँ बीमार और बूढ़ी हो गई तो दाने लाने की जिम्मेदारी नन्ही चींटी पर आ पड़ी। उसकी माँ ने उसे समझाया था कि बरसात से पहले पहले बहुत सा दाना जमा करना ज़रूरी है ताकि सर्दियों में आराम रहे और खुराक भी आसानी से मिलती रहे। नन्ही ने पहले दिन बहुत मेहनत की और बहुत दूर से चंद दाने घर तक ले जा सकी, फिर और दाने लाने से इनकार कर दिया। उसकी माँ ने फिक्रमंद लहजे में कहा, नन्ही, सिर्फ इन चंद दानों से तो कुछ ना होगा, आखिर हम सर्दियों में अपना पेट कैसे भरेंगे? इस वक्त खुराक बिल्कुल गायब हो गई। नन्ही ने कहा, यह बहुत मुश्किल काम है, मैं तो सिर्फ चंद दाने ला सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। यह कहकर नन्ही सो गई। अगले दिन वो फिर दानों की तलाश में निकल पड़ी। उसने सोचा कि अब बड़े बड़े दाने अपने घर में जमा करूंगी। उसे एक दरख्त के करीब बहुत सी चिमटियां जाती नजर आईं। जब वो दरख्त के करीब पहुंची तो वहां रोटी के बेशुमार टुकड़े पड़े थे। उसने देखा कि जो चिमटियाँ छोटी हैं वो बड़ी तेज़ी से छोटे छोटे दाने मुंह में उठाए ले जा रही हैं, जबकि बड़े चिमटे बड़े बड़े दाने मुंह में दबाए जा रहे थे। उसने एक बड़ा सा दाना मुंह में पकड़ा और चल पड़ी, लेकिन अभी चंद कदम चली थी कि थक गई। उस दौरान एक बूढ़ी चिमटी की नज़र नन्ही पर पड़ी। उसने कहा, भाई नन्ही, क्या बात है? उसने सारा किस्सा सुनाया। बड़ी खाला हंस पड़ी। बड़ी खाला नन्ही चींटी को एक दरख्त के करीब ले गई जहाँ ठंडी छाँव थी। बड़ी खाला ने छोटी चींटी की तरफ इशारा किया, तुम भी इनकी तरह फुर्ती से काम करो और छोटे दाने घर ले जाओ, बड़े दाने तुम नहीं ले जा सकती। अच्छा, देखो नन्ही, तुम छोटे दाने मेरे घर पहुँचाओ और बड़े बड़े दाने तुम्हारे घर ले जा चलते हैं, लेकिन ये एक शर्त है। खाला, मुझे हर शर्त मंजूर है। नन्ही खुश होकर बोली, तुम हर रोज 3 घंटे काम करोगी। खाला जान ने शर्त बताई तो नन्ही ने फौरन कहा, उसे ये शर्त मंजूर है। दिन गुजरते गए। चिमटी पाबंदी से रोजाना छोटे छोटे दाने खाला जान के घर जमा करती और खाला जान बड़े बड़े दाने नन्ही के घर ले जाती। नन्ही की माँ खाला जान से बहुत खुश थी। खुराक जमा करने में मदद कर रहे थे। जब नन्ही ज़रा आराम करती तो खाला जान फौरन उसे उठने और पाबंद करने की ताकीद करती, नन्ही बस अब दाने जमा करना बंद कर दो। एक दिन खाला जान ने नन्ही से कहा, खाला जान, मैं कुछ दाने और जमा करना चाहती हूँ। नन्ही ने जवाब दिया। असल में नन्ही चाहती थी कि खाला जान बड़े बड़े दाने उसके घर जमा करती रहें, बस नन्ही खुराक बहुत ज़्यादा जमा हो गई है, इतना काफ़ी है। खाला जान ने नन्ही को समझाया तो उसने बात मान ली। फिर नन्ही और खाला जान अपने अपने घरों को रवाना हो गए। एक दिन गुजरते रहे। नन्ही के यहाँ बहुत सी खुराक जमा थी। खुराक के बड़े बड़े दाने देखकर नन्ही खाला जान की शुक्रगुजार थीं। एक दिन जब सर्दियाँ जोरों पर थीं, सब जानवर अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे कि अचानक नन्ही के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। नन्ही ने दरवाज़ा खोला तो खुशी से उसकी चीख निकल गई। मेहरबान खाला जान सामने खड़ी थी। नन्ही ने जल्दी से उन्हें अंदर बुलाया और उनकी खूब खातिर की। उसकी माँ भी खाला जान की बहुत शुक्रगुजार थी। खाला जान, आपकी बहुत मेहरबानी, नन्ही ने खाला जान से कहा। खाला जान ने हैरत से बोली, क्यों नन्ही, किस बात की मेहरबानी?
खाला जान, आपने ये इतनी सारी खुराक जो हमें दी। नन्नी ने खुराक के बड़े बड़े ढेर की तरफ इशारा किया। अच्छा, खाला जान ने कहका लगा कर कहा, लेकिन तुमने वो खुराक तो देखी ही नहीं जो मैंने गोदाम में जमा की है, जो तुम लाई थी। खाला जान, वो तो छोटे छोटे दाने थे, इसके मुकाबले में उन बड़े दानों का क्या मकाम हो सकता है। खुद देखोगी तो पता चलेगा कि किसकी खुराक ज़्यादा है, वो जो तुमने जमा की थी या ये बड़े दाने जो मैंने तुम्हारे घर में जमा किए थे। खाला जान ने कहा और उसकी माँ ने उससे इजाज़त और उसकी माँ से इजाज़त ली कि वो नन्नी को अपने घर ले जा रहे हैं ताकि उसे खुराक दिखा सकें। उसकी माँ ने इजाज़त दे दी और खाला जान नन्नी को लेकर अपने घर रवाना हो गई। अरे खाला, नन्नी के मुंह से हैरत के मारे चीख निकल गई। क्यों नन्नी, देखा तुमने कितनी खुराक जमा की है, अब बताओ वो खुराक ज़्यादा थी या ये छोटे छोटे दाने। खाला जान ने मुस्कराते हुए पूछा। खाला जान, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, मैं इतनी सारी खुराक जमा नहीं कर सकती। उसने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। देखो नन्नी, खाला जान ने उसे समझाते हुए कहा, यह सब खुराक तुमने जमा की थी इसलिए बहुत ज़्यादा है कि तुमने एक महीने में हर रोज़ बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया। तुमने काम के दौरान एक लम्हा भी आराम नहीं किया, तुमने बड़ी बाकायदगी से मुसलसल काम किया, ये इसका कमाल है। याद रखो, मेहनत और काम को बाकायदगी से करने में ही कामयाबी है। इतनी बड़ी कामयाबी के तुम हैरान हो जाओगी, इतनी हैरान जितनी के तुम अब हो रही हो। फिर खाला जान ने नन्ही को उस ढेर में से कुछ खुराक और दे दी, वहीं नन्हे और छोटे छोटे दानों पर मुश्तमिल खुराक। नन्ही से खाला से कहा, जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। बच्चों, ये थी आज की हमारी कहानी। मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।